नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों स्वागत है। आप सभी को पता है कि अगर किसी खिलाड़ी की पोटेंशियल का अंदाजा लगाना हो तो आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ जो है रुख करते हैं। बोलते हैं कि भाई टेस्ट में बंदा अच्छा कर गया तो इसका मतलब है कि बढ़िया बल्लेबाज है, क्योंकि टेस्ट में आपका पेशेंस का, टैलेंट का, सब चीज की परीक्षा होती है। खैर, लेकिन जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो उसमें भी लोग कैटेगराइज करने लगते हैं कि भाई पहली इनिंग्स में, दूसरी इनिंग्स में, या तीसरी इनिंग्स में, या फिर चौथी इनिंग्स में। लेकिन जो चौथी इनिंग्स में बंदा, जो भी खिलाड़ी बढ़िया बल्लेबाजी करता है, लोग उनको सैल्यूट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आग के दरिए पे ना चलने जैसा होता है। फोर्थ इनिंग्स में गेंद काफी ज्यादा टर्न करती है, पिच काफी ज्यादा रफ हो जाता है, और उस पिच पर शतक लगाना, शतक तो चलिए लगा देते हैं, लेकिन 250 गेंद जो बंदा खेल गया ना, तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि चौथी पारी में एशिया के किसी टेस्ट मुकाबले में सबसे ज्यादा बॉल फेस करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? वो है बाबर आजम के नाम। बिल्कुल सही मैं कह रहा हूं, कराची टेस्ट में बाबर आजम ने 196 रन की पारी खेली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और चौथी पारी में बतौर कप्तान उन्होंने 425 गेंदों का सामना किया था, दोहरा शतक से चूक गए थे। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने चौथी पारी में एशिया के किसी टेस्ट मैच में 400 प्लस गेंदों का सामना ही नहीं किया था। ये कितनी हैरानी वाली बात है ना, कितनी हैरानी वाली बात है कि एशिया में कई दिग्गज बल्लेबाज हुए हैं, बल्लेबाजों के लिए एशिया जाना गया, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, या फिर श्रीलंका में हो, एक से एक टेस्ट के दिग्गज बल्लेबाज पैदा हुए हैं और रन्स बना के गए। लेकिन किसी भी बल्लेबाज ने चौथी पारी में 400 प्लस गेंदों का सामना नहीं किया, एशियन ट्रैक की मैं बात कर रहा हूं, बाहर की कंट्रीज में नहीं, एशियन सेना कंट्रीज में नहीं, एशिया में, क्योंकि टर्निंग विकेट्स रहता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कारनामा मॉडर्न डे ग्रेट बाबर आजम ने किया है, 425 गेंदों का सामना किया। और दूसरा कोई अगर बल्लेबाज है वो है अब्दुल्ला शफीक। अभी हाल ही में जो गोल्ड टेस्ट मैच हुआ था ना, उसमें 160 रन की नबाद पारी खेली थी, उस मुकाबले में 408 गेंदों का सामना अब्दुल्ला शफीक ने की थी। ऊपर के दो खिलाड़ी ना उसमें पाकिस्तान के ही है। तीसरे नंबर पे दिलीप वेंगसरकर है, भारत के पूर्व कप्तान, और दिलीप वेंगसरकर के ही नाम ये रिकॉर्ड था, सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड चौथी पारी में इन एशिया के किसी टेस्ट मैच में दिलीप वेंगसरकर का। बाबर आजम ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। चौथे नंबर पे है शोएब मलिक। शोएब मलिक ने 369 गेंदों का सामना किया था चौथी पारी में, और एशिया में खेला गया वो टेस्ट मैच था, मतलब बाहर नहीं। पांचवें नंबर पे है नफीस इकबाल, 355 गेंदों का इन्होंने सामना किया था चौथी पारी में। तो है ना, मतलब एशिया में किसी बाहरी खिलाड़ी ने आके 400 छोड़िए 350 गेंदों का भी सामना नहीं किया, इसमें से पांचों के पांचों जो है इंडियन, सॉरी एशियाई खिलाड़ी है, जिसमें से टॉप टू में तो आपके बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक हो गए। 400 प्लस गेंदों का सामना करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, पहली इनिंग्स में कर लोगे क्योंकि पिच अच्छी रहती है, बल्लेबाजी के अनुकूल रहता है सब चीजें, वहां पे तो 500-600 गेंदों का भी सामना हुआ है। लेकिन चौथी पारी में जो बंदा खेल गया ना, समझ लीजिए कि उसमें बहुत ज्यादा टैलेंट है। और सच में बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, दिलीप वेंगसरकर साहब, इन लोगों की कैटेगरी में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। खैर, इस रिकॉर्ड में बस इतना ही, इस वीडियो में भी बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।